अभी मतलब हम देखे थे एक दो महीने पहले की बात है, आपका एक एल्बम आया था राकेश मिश्रा जी के साथ में, ए राजा तू तो हम जवान हमरली का, तो उस वीडियो का काफ़ी लोग प्यार किए थे, बहुत ज़्यादा उसको वायरल किए थे। आपको देखकर कैसा लगता है कि हमने उस वीडियो में अपना अभिनय किया था और वो वीडियो वायरल हुई और काफ़ी लोग आज भी उसको पसंद करते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो जो मैंने गाना किया था राजा तू तो जवान हम लड़का, हाँ पहले तो मेरा गाना, हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रितेश टेक ब्लॉग में। वीडियो भाई बहुत ही स्पेशल होने वाली है, देख सकते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी की जानी मानी कलाकार और मॉडल एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जी। तो चलिए आज हम इनको परिचय कराते हैं आप लोगों से, आप दर्शकों से, क्योंकि आप लोग को बहुत ही पसंद आ रही हैं, आए दिन इनके गाने बहुत ही वायरल हो रहे हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो भाई चलिए इस इंटरव्यू में आपको हम सवाल जवाब दिखाएंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ी लाइफ में, कैसे एक्ट्रेस बनी, कैसे मॉडल बनी, पूरी अर्श लेकर फर्श की कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरे सभी जितने भी दर्शक हैं, जो भी मेरे ऑडियंस है, हाँ। उनको नमस्कार बोलती हूँ। मैं तो बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री में मैं आई हूँ, काम कर रही हूँ, हाँ। इतने कम टाइम में इतना नाम हो गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, हाँ। अब आगे देखते हैं हमारे जनता जनार्दन है कि कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। चूँकि मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कब से आपका रुचि हो गया इंडस्ट्री माने को, कब से मन था कि हमको इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जाना है, हीरोइन बनना है या मॉडल बनना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे दर्शकों को। मैं जब छोटी थी ना तो मेरी मम्मी ना टीवी पे सीरियल्स लगा के देखती थी और मुझे डांस वगैरह का बहुत शौक़ था, तो अच्छा। मैं स्कूल से आती थी तो मैं अपने बैग वगैरह फेंक के मैं होमवर्क भी नहीं करती थी ना खाना खाती थी, हाँ। और मैं जस्ट बाल वगैरह खोल के और गाना चालू करके और फिर मैं नाचना चालू कर देती थी, अच्छा। और फिर नाचते 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 फिर मैंने मम्मी को एक दिन बोला मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, अच्छा। मैं बोलती खाने वाली काम नहीं है हीरोइन बनना, मेरी मम्मी देख लेना मैंने जो बोला है मैं वो करूँगी, अच्छा। मैं बोलती ठीक है। 2017 में मैं गूगल पे ऐसे ही बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन देखा कि लोग ऑनलाइन भी जाते हैं ऑडिशन वगैरह और फोटोशूट कराने, तो मैंने ऑनलाइन देखा वहाँ पे गूगल पे, तो मुझे स्टूडियो मिला तो मैं अंधेरी पे गई वहाँ पे, अच्छा। तो मुंबई में, मुंबई में, अच्छा। मैं मुंबई बचपन से ही मैं भले पैदा हुई हूँ वाराणसी में, विंध्याचल, हाँ। में पैदा हुई हूँ, हाँ। बट मैं जब 3 महीने की थी तो मेरी फैमिली पहले मुंबई में रहती है, तो मैं वापस चली गई थी मुंबई और मेरा बचपना और अभी वहीं पे ही मैं एकदम पढ़ी लिखी मुंबई में, मतलब आपका अधिकतर समय स्पेंड हुआ? हाँ, मैं वहीं पे ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा यूपी नहीं रहती हूँ, तो मैं गई वहाँ पे अंधेरी पे, मैंने वहाँ पे जाके फोटोशूट कराए, हाँ। और मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा। तो उन्होंने बोला मैडम ऑडिशन लिंग, तो मैंने बोला ऑडिशन लिंग ये क्या होता है, अच्छा। मतलब आपको शुरुआती दौर में ऑडिशन होता क्या ये भी नहीं मालूम? वो भी नहीं मालूम मुझे, एक्टिंग का ए तक नहीं पता था, तो अच्छा। मैंने वहाँ पे जो जिन्होंने मेरा फोटोशूट किया था मैंने उनको बोला ये क्या होता है, तो उन्होंने मुझे एक क्लिप दिखाई, बोलते क्या मैडम ये क्लिप है आपको, हाँ। ऐसे इंटरव्यू देने पड़ेंगे जैसे एक डायलॉग होता है, उस हिसाब से आपको रिएक्शन लाना पड़ेगा, उस हिसाब का मूड लाना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत शर्माई, मेरे पास जैसे कैमरे आने लगते थे तो मैं हंसने लगती थी, अच्छा। फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए सर नहीं हो पाएगा, मेरे लिए सर कुछ लिंक मिल सकता है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल तो सकता है लेकिन वो भोजपुरी मिले चलेगा, चाहे भोजपुरी मिले या पंजाबी मिले हिंदी मिले, बट काम, अच्छा। तो नाम भाई सब में होता है, हाँ। एक्ट्रेस सब कहलाते हैं चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, सही बात, हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी थोड़ी ना छोटी है, बहुत बड़ी आज के डेट में ट्रेंड में हमारी इंडस्ट्री चल रही है, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने आशी तिवारी का एल्बम किया था, अच्छा। उमर ये बाईसन करावे मनमानी, हाँ। मैंने 3 गाने वहाँ पे किए और, हाँ। जस्ट वहाँ से घर पे आई मैं, हाँ। तो वो जब गाने 2 दिन बाद लॉन्च हुए तो मेरे, हाँ। घर में हड़कंप हो गया था, अच्छा। मेरे भाई को मेरे फादर को पसंद ही नहीं था कि मैं डांस वगैरह, अगर मैं ऐसे मोस्टली नॉर्मल घर में डांस करती थी ना, हाँ। तो बहुत चिढ़ते थे, अच्छा। फिर वो लोग बहुत ऑब्जेक्शन किए कि नहीं 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 करना, फिर बाद में लोगों ने बोला कि अगर उसको इतने कम में, कम टाइम में, इतने कम उम्र में जब उसको काम मिल रहा है तो करने दीजिए, अच्छा। तो फिर मेरे फादर एग्री हो गए, मेरे भाई भी एग्री हो गए, मेरी मम्मी तो मेरा हमेशा सपोर्ट करती है, आई लव माई मम्मा, अच्छा। वही तो मेरी दुनिया है और सब कुछ है, आज उनकी वजह से ही मैं हूँ, अच्छा। तो बहुत सपोर्ट मिलने के बाद में फिर मैंने जब वो मेरा जो फर्स्ट गाना उमर ये बाईसन करावे मनमानी देखा लोगों ने, तो फिर SR के म्यूज़िक कंपनी से मुझे ऑफर आया गाने के लिए, उनका मैंने एक गाना किया करने के बाद उन्होंने मुझे फिल्म दिया था, अच्छा। और उस टाइम तो मैं एक्टिंग नहीं जानती थी तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे फिल्म करूँ, हाँ। तो मैंने उनकी फिल्म छोड़ दी, अच्छा। उनकी फिल्म छोड़ दी, फिर बाद में मैं लोगों के सेट पे जाके एक्टिंग देखने लगी, अच्छा। तो कुछ दिन आप लोगों को मतलब ऑब्जर्व करी थी कैसे एक्टिंग किया था, कैसे कैमरे, हाँ, के सामने अपना, हाँ,
वो दिखाते हैं लोग, तो मैं गई, मैं सेट पे जाती थी तो मैं देखती थी कि कैसे एक्टर्स एक्टिंग करते हैं। मैंने देखा इतने क्राउड के बीच में लोग बैठ के वो एक्टिंग कर रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, तो मैंने यार ये तो नेचुरल है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, फिर मैंने एक दो बार सबके शूटिंग पे जाके देखा, फिर मैंने बोला मैं करूँगी एक्टिंग। अच्छा, तो मुझे वर्ल्ड वाइड कंपनी से ऑफर आया फिल्म का, रत्नाकर जी जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा ब्रेक दिया इंडस्ट्री में, जिनकी वजह मतलब आज उन्होंने मुझे अपनी एक मूवी में काम दिया वीरो के वीर में, उनकी मूवी करने के बाद फिर मैं मेरा मतलब करियर ही चेंज हो गया, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बस उनकी एक कंपनी की काम कर लिया मैंने, फिर मैंने खेसारी जी के साथ सेकंड मूवी की मेरी जंग मेरा फैसला, फिर ऋषभ कश्यप गोलू के साथ किया मुझसे शादी करोगी, फिर यस जी के साथ किया, चिंटू जी के साथ किया, मनोज पांडे जी के साथ किया, मतलब रितेश पांडे, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं मोस्टली मैंने सबके साथ काम कर लिया इतने कम टाइम में। हाँ, बीच में हुआ था कि मेरा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था और पता नहीं अचानक से डाउन चल गया, क्या पता, लोग इंडस्ट्री में हमारे ऐसे हैं ना कि हम किसी से बैठ के अच्छे तरीके से बात कर ले तो लोग बोलते हैं कि यार नहीं वो ऐसे है वैसे, तो बहुत ज़्यादा बातें होने लगी थी इंडस्ट्री में मेरे को लेके कि आकांक्षा तो ऐसी है आकांक्षा वैसी है, बट जिनको पता है जो मेरे क्लोज हैं उनको तो पता है कि मैं कैसी हूँ, भले वो मैं दुनिया की नज़र में कैसी भी रहूँ, बट एक इंसान खुद अपने आप को पहचान सकता है कि वो कैसी है, और जो जो उसके साथ रहता हो जो उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज हो वही जान सकता है कि वो इंसान कैसा है। सही बात। तो मैं बहुत उस टाइम डिप्रेस हो गई थी, मैंने इंडस्ट्री में काम करना बंद कर दिया था, मैंने बोला इज्जत से बढ़ के मुझे कुछ नहीं है, तो मैं 2018 एकदम ही अपने आप को एकदम मतलब काम नहीं करती थी, घर में रहती थी, लोगों से बात नहीं करती थी। अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे लोग ने मतलब ऐसा ऐसा इंडस्ट्री में बोल दिया था। अच्छा। बहुत रिजर्व रहती लगने लगी थी, मतलब मुझे कहीं से फिल्म के ऑफर आते थे तो मैं सीधा मना कर देती, नहीं मैं नहीं करूँगी। अच्छा। मैंने बीच में सोच लिया था यार नहीं मैं अब शादी विदी करके सेटल हो जाती हूँ, फिर मेरे माइंड में आया जिस चीज़ के लिए मैं इतने साल से भाग रही हूँ फिर उसी चीज को मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ूंगी कैसे। हाँ। नहीं छोड़, मैं पीठ दिखा के नहीं जा सकती, भले कोई कितना मेरे बारे में बोल ले। हाँ। लड़ना तो पड़ेगा। अच्छा। अगर काम करना है तो लड़ना पड़ेगा। हाँ। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस लोग उनके बारे में भी तो लोग क्या क्या बोलते हैं। हाँ, बट आज वो लोग संघर्ष करके इतना है ना इंडस्ट्री में तो नाम बनाए, तो मैंने बोला नहीं यार अब आकांक्षा तो भी नहीं किसी से कुछ करेगी, अब सीधा मुंह के बदले मुंह चलेगा, हाथ के बदले हाथ चलेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब आपने बिल्कुल अपने मन में ठान लिया कि बाकी दुनिया हमारे बारे में क्या कमेंट करती है, क्या चिपड़ी करती है, हमको इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचना है। हाँ। हमको अपना काम करते रहना। हाँ, क्योंकि देखिए इंसान जब ना कीचड़ में से जब वो जब फूल जब खिलता है। हाँ। जब वो साफ हो जाता है। हाँ। तो उसके ऊपर ना कीचड़ उछालने के लिए लोग बहुत आते हैं। अच्छा। कीचड़ में खींचने के लिए बहुत आते हैं, तो मैंने बोला खींचने वाले मुझे बहुत मिलेंगे बट मुझे उस कीचड़ में नहीं गिरना, मुझे फोकस करना है मेरे करियर पे कि मुझे करना क्या, मुझे बनना क्या है, मुझे इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। एक कलाकार ना ये सब चीज़ें नहीं सोचता कि लोग उसको क्या बोलते हैं। हम ऐसे कलाकार होते हैं कि जो हम जो एक्टिंग करते लोग देख के हंसते हैं, लोग खुशी होते हैं, लोगों के मुँह पर मुस्कुराहट आती है, मतलब जो एक फीलिंग्स होती हैं हम वो सब ला के देते हैं। हाँ। तो मैंने ये सब छोड़ने के बाद मैंने वाला छोड़ा हटा, फिर मैंने लगातार फिर 2019 से मैं कंटिन्यू मूवी, एक भी दिन मेरा डेट नहीं फ्री रहता था। ये अभी भी मेरे लिए 400 एल्बम पेंडिंग है। अच्छा। और कई डायरेक्टरों का फ़ोन आया था कितनी लोगों की मूवी छोड़ दी बिकॉज ऑफ मेरे पास डेट नहीं है। हाँ। आज लोग बोलते थे, इससे एक साल की बात बोल रही हूँ कि बड़े बड़े डायरेक्टरों ने बोला कि आकांक्षा दुबे हैं कौन सी आर्टिस्ट है वो, अच्छा हीरोइन है। हाँ। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं शांत रहती थी और मैं बोलती थी छोड़ो आने वाला समय बताएगा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। अच्छा। मैं शांत होकर चली जाती थी, चुप हो जाती थी, मैं कुछ नहीं, वो लोग मेरे सामने आके हाय आकांक्षा कैसी हो, जी सर बढ़िया हूँ, क्योंकि मैं जब इंसान की नीयत पहचान जाती तो उनको मैं इतना इज्जत देती हूँ ना कि उनको खुद पता चल गया होगा कि नहीं आकांक्षा तो भाई इज्जत दे रही है, इसका मतलब कुछ तो बात है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो मैंने बहुत लोगों को इज्जत दिया, बहुत काम करती गई, अब लोग मुझे बोलते हैं अब तो तुम स्टार हो गई हो, तुम तो किसी से बात नहीं करती, चीज़ नहीं करती, मैंने नहीं सर स्टार बनाया किसी ने, आप लोग ने बनाया ना। हाँ। आप ही लोग ने बात करना बंद कराया ना, आप ही लोग ने तो सीख दिया मुझे। हाँ। कि कैसे रहना चाहिए। हाँ। मैंने सोचा था इंडस्ट्री में कभी घमंड ना करूँ। अच्छा। बट मैं अपने ऑडियंस से कभी घमंड नहीं करूँगी, ना मेरे जो मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ उनसे कभी घमंड नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने घमंड किया है तो मैं उनके साथ तो घमंड करूँगी, जरूरी सी बात है। आज लोग पहले मेरे साथ वही हीरो लोग ने काम किया। हाँ। और आज स्टार होने के बाद में चलिए बोलना है, मैं तो नाम नहीं लूँगी, वो स्टार पहले से भी हैं जो भी हैं। हाँ।
पहले काम किए, अब अगर मैं आकांक्षा दुबे का रेफरेंस जा रहा है तो लोग बोलते नहीं आकांक्षा के साथ काम नहीं करना है। अच्छा, बाद में फिर मेरा हाइप देखते तो बोलते नहीं आकांक्षा के साथ काम करना है। अच्छा, तो मैं मालूम है इस इंडस्ट्री में बहुत उलझी हुई भी हूँ और कहीं ना कहीं मैं, मेरा इतना नाम हो चुका है कि मैं अब ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे काम दे। मैं आज तक कभी इंडस्ट्री में किसी से कोई भी बोलते कि आकांक्षा दुबे मेरे पास आके काम मांग रही है, मैं वहाँ पे उनको ना ऐसे प्रणाम करके चल दूँगी। मैंने आज तक किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ना किसी हीरो को, ना किसी प्रोड्यूसर, ना किसी डायरेक्टर को, नहीं सर मुझे काम दो। मैंने यहाँ ये घमंड रखा अपने में कि अगर मेरे अंदर कुछ होगा, मेरे अंदर टैलेंट होगा, मेरे अंदर एक गुण होगा तो मुझे इंसान खुद पूछेंगे। आप मतलब अपने ही मेहनत करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही हैं? मैं अपनी मेहनत करते, अपनी मेहनत में जितनी भी मूवी पाई हूँ खुद के दम पे पाई हूँ। अपने ऐसे मैंने अपना व्यवहार बनाया है लोगों के सामने कि लोग मेरे व्यवहार पे बहुत मरते हैं। तो क्या लग रहा है आज आपको आपका मेहनत का फल मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। और मैं तो बस अपने ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है ना उससे और ज़्यादा दे और मुझे और आगे बढ़ाते रहे। मुझे आज उनके वजह से ही मैं हूँ। आज मैं भले मैं काम कर रही हूँ, भले मैं सुंदर हूँ, मैं जो भी हूँ, बट वो ऑडियंस देख रही हैं कि ये आर्टिस्ट अच्छी है, आर्टिस्ट ये कर रही है, वो आर्टिस्ट वो कर रही है। उनकी नज़र में एक मैं फ़िट हो गई ना। पहले तो थोड़ा टाइम लगा उनको फिट करने में कि मैं चल पाऊंगी कि नहीं, बट अब जब फिट हो गई, उनको मेरा काम अच्छा लगा, लगने लगा ऑडियंस को, तब वही डिमांड कर रही है कि नहीं अब इनका एल्बम उन्हीं के साथ आना। अब लोग मतलब आपका एल्बम का वेट कर रहे हैं, कब एल्बम आए हम उसको देखें। हाँ, वेट कर रहे हैं। पहले मेरे फॉलोअर्स बहुत कम थे इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक। हाँ, आज के डेट में मेरे इंस्टाग्राम पे बस कुछ एक महीने के अंदर में मेरे जो तीन हज़ार थे, 3,000 से 1,00,000 हो गए।